नमस्कार किसान साथियों, मैं सहदेव चौधरी। अगर आप किसान हैं या किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, खेती के अंदर लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन लागत के अनुरूप किसानों की इनकम नहीं हो रही है, तो किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। डीजल के भाव आपको पता ही है, 100 के समथिंग पहुंच गए, कई राज्यों में 100 से बाहर हैं। तो डीजल का उपयोग खेती के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, निराई गुड़ाई सारा काम जो आजकल मशीनरी से होता है। तो किसान की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन लागत के अनुरूप उनका जो इनकम है वो नहीं बढ़ पा रहा है। इसी बीच आपको पता ही है, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के कारण पोटास के जो भारत सबसे बड़ा आयातक देश है वो कम हुआ है। तो इस वजह से खाद व फर्टिलाइजर की कीमतें लगातार बढ़ रही है। डीएपी का जो बैग पिछले साल अपने को 1200 रुपये में मिल रहा था, वो इस साल 1350 रुपये मिलेगा। 150 रुपये पर बैग पर फर्टिलाइजर कंपनियों ने अपने यहाँ बढ़ा दिया है। तो इस जो बढ़े हुए जो है, इसको सब्सिडी के रूप में सरकार देने के लिए कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि बैठक में फर्टिलाइजर पर मिलने वाली जो सब्सिडी है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां कम आयात कर रही है। ऐसे में फर्टिलाइजर बनाना महंगा हो गया। कीमतों में उछाल के कारण फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां कम आयात कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार अलग अलग फर्टिलाइजर प्रोडक्ट पर मिलने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसका फायदा फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों व फार्मा कंपनियों को होगा। अगर फर्टिलाइजर कंपनियों को राहत मिलती है तो इसका सीधा फायदा किसानों तक भी पहुंचाएंगे। 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था उसमें जो वित्त मंत्री है सीतारमण ने फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी में भारी कटौती का ऐलान किया था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश हुए बजट में यूरिया सब्सिडी के लिए 63,222 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 2021-22 के संशोधित अनुमान से 17% कम है। एनपीके खाद के लिए 42,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से 35% कम है। यानी सरकार की आर्थिक स्थिति है वो भी ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। आप खुद समझ रहे हैं, श्रीलंका के अंदर किसानों ने अपनी फसलें निकाल ली है, लेकिन बेचने के लिए उनको नहीं मिल रहा। आर्थिक संकट आ चुका है श्रीलंका पर। कोरोना की वजह से सरकारों की आर्थिक स्थिति है वो लगातार कमजोर हो रही है, लेकिन हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों पर जो बर्डन पड़ रहा है उसको सब्सिडी प्रदान करके थोड़ा कम किया जा सके। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं किसान से संबंधित ऐसे ही वीडियो लगातार अच्छी अच्छी जानकारियां योजनाओं के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। फसलों में होने वाले रोग, कौन कौन सी फसलें कब लगानी चाहिए, इन सब से संबंधित जानकारी मैं अपने इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।